वेलकम एवरीवन। आज यूनिट 5 में एक दो टॉपिक बचे हुए हैं। एक क्रोमेटोग्राफी था, वो हो चुका है। दो मेन टॉपिक हैं, वो है लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम लिम्स और टेक्स्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहली चीज, इनके फुल फॉर्म याद होने चाहिए। आपको एब्रीविएशन पूछ सकता है कि टीम्स का फुल फॉर्म क्या है और लिम्स का फुल फॉर्म क्या है। दैट्स इट। ओके, तो आज के कंटेंट में क्या है, दो मेनली है लिम्स। लिम्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है और टिम्स में उतना ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, राइट? सो लिम्स में ज्यादा फोकस होगा और लिम्स में सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज लिम्स, देन व्हाई वी आर यूजिंग लिम्स, लिम्स में और क्या क्या चीजें स्टोर होती हैं या उसके कंटेंट्स क्या क्या है, फंक्शनैलिटीज ऑफ लिम्स, लिम्स के वर्किंग क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इन सारी चीजों पर फोकस करेंगे। एडवांटेजेस में 8 से 10 पॉइंट देखेंगे, बट डिसएडवांटेजेस में ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि हमें सभी पता है, सब जानते हैं कि कंप्यूटर में अगर कोई चीज हम स्टोर करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं और सिस्टम क्रैश कर सकता है, तो पूरा पूरा डेटा उड़ सकता है, लाइक दैट। ये सारी जो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फाइन, सो लिम्स से स्टार्ट करते हैं, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि आप जानते हो कि लेबोरेटरी में कितने सारे स्टेप वाइज वर्क्स होते हैं, उन सारे वर्क्स में रिपोर्ट्स होती हैं, सैंपल टेस्टिंग के टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लैब में एंटर करने से लेकर लैब से बाहर निकलने तक, या ये कह सकते हो कोई रिसर्च करने के बाद जो रिजल्ट्स आ जाते हैं, वहां तक जितने भी काम होते हैं, उन सारे कामों के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है जो सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। फाइन, अब क्या क्या कैसे ये सारी चीजें हम लोग आगे देखते हैं। फाइन, सो इसकी अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें या थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की, तो वो ये है, अ लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम लिम्स इज अ सॉफ्टवेयर। सबसे पहली चीज तो ये एक सॉफ्टवेयर है दैट अलाउज यू टू मैनेज सैंपल्स, टेस्ट रिजल्ट्स एंड एसोसिएटेड डेटा टू इम्प्रूव लैब प्रोडक्टिविटी। लैब्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हैं। उसमें से जो सबसे अच्छा, इवन कैड, जो आपने कंप्यूटर एडेड डायग्नोस्टिक सिस्टम पढ़ा था, उससे भी ज्यादा अच्छा है लिम्स। फाइन, ओके, तो अब देखते हैं कैसे अच्छा है, क्यों जरूरत पड़ी। सो वाई नीड लिम्स। सबसे पहली चीज जो हमने बात करी आपसे कि जो CDS था, क्रोमेटोग्राफी में हमने पढ़ा था, CDS कंप्यूटर डायग्नोसिस सिस्टम के लिए, जो डायग्नोसिस में कंप्यूटर यूज किया जाता था, उसमें क्या था कि एडिक्यूएट डेटा मैनेजमेंट कैपेबिलिटी नहीं थी। हम लोग डायग्नोसिस से रिलेटेड डेटा ही उसमें देख रहे थे, बाकी लैब्स में और बहुत सारे वर्क होते हैं, उनका डेटा स्टोर नहीं कर रहे थे। और क्या चीज हो सकती है, CDS अनेबल टू हैंडल डेटा फ्रॉम नॉन क्रोमेटिक टेस्ट। वही बात, क्रोमेटिक टेस्ट वगैरह हमने देखा था, उनसे रिलेटेड डेटा स्टोर हो रहा था, बट लैब्स के अदर चीजों का डेटा इसमें स्टोर नहीं होता था, इसलिए उनको हैंडल नहीं कर सकता था। फाइन, नाउ लिम्स में थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, राइट? जो आपका लैब का डेटा होता है, जैसे ये आपका लिम्स है, ये एक सॉफ्टवेयर है। अब ये सॉफ्टवेयर है तो इसके पास अपना डेटाबेस भी होगा, या डेटा स्टोरेज कह सकते हो, वो डेटा स्टोरेज मतलब वहां पे मेमोरी होगी, वहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे होंगे। अब हम पहले बात करते हैं कि लैब डेटा। अब लैब डेटा में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे क्या क्या मैनेजमेंट करता है लैब का डेटा, सैंपल्स, जितने टेस्ट हो रहे हैं टेस्ट, लेबोरेटरी में जो यूजर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड्स मीन्स जो कुछ रूल बनाए गए हैं, इनवॉइसिंग है, कोई चीज खरीदी जाती है तो उसकी इनवॉइसेस होती हैं, SOP है, डॉक्यूमेंटेशन है, वर्क फ्लो, ऑटोमेशन, ये जितनी भी चीजें लैब में होती हैं, उन सभी का डेटा हम लोग लिम्स में स्टोर करते हैं और उसी के थ्रू एक्सेस करते हैं, राइट? ओके, देन अब हमारे पास सारा डेटा लैब का स्टोर्ड है, हम क्या करेंगे, उसके थ्रू, उस डेटा के थ्रू एनालिसिस करेंगे और रिपोर्ट्स बनाएंगे। अब उन रिपोर्ट्स में क्या होता है, क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ एनालिसिस, जो भी आपने एनालिसिस करी है उसकी सारी रिपोर्टिंग करना। फाइन, ये सब बहुत ही कॉमन चीजें हैं, अगर आप एक फ्लो में देखते जा रहे हो तो आपको याद हो जाएगा। फाइन, लैब में क्या क्या चीजें होती हैं आपको पहले से पता है, तो एक बार आप सिर्फ पढ़ लो।
देन रिपोर्टिंग, अब रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट भी चेक करता है और जितनी भी एनालिसिस हुई उनके सर्टिफिकेट्स या सर्टिफिकेशन भी बनाए जाते हैं। नाउ फ्रेमवर्क्स, अब फ्रेमवर्क्स में क्या है, प्रोवाइड अ सॉलिड फ्रेमवर्क टू मैनेज योर लैब, स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क फ्लोस एंड गेट रिपीटेबल रिजल्ट्स। अच्छा, अब एक बार कहते हैं कि जैसे आपने कोई टेस्ट किए किसी चीज के, राइट, अब उसमें क्या होता है कि वही टेस्ट आगे चल के हमें अदर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उनमें भी वही टेस्ट आते हैं, तो हम क्या करें, इस तरह का एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, जैसे उन टेस्ट का रिजल्ट और उन टेस्ट में जितने भी हमने चीजें देखी थी वो सारी अगले जब होगी यूज करेंगे तो फिर वो टेस्ट रिपीट नहीं करेंगे, राइट, उनका डेटा वहां पे सीधे सीधे उठा के जो पहले किया था वही यूज कर लेंगे, ठीक है। तो रिपीटेबल रिजल्ट वगैरह जो भी है, समझ गए होंगे। ओके, इनेबल जीएलपी, कंप्यूट कैप्चर्स बेस्ट प्रैक्टिस टू इनेबल जीएलपी। अब जीएलपी क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, फाइन, ओके। तो ये हमारा लिम्स का जो डेटाबेस था उससे मैं क्या क्या यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें हो गई, फाइन। अब लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि आखिर क्या है सैंपल मैनेजमेंट और ये सब चीजें। तो जैसे मान लीजिए ये आपका लिम्स है, वो क्या क्या चीजें हैंडल कर रहा है, लिम्स एक सॉफ्टवेयर है, रिमेंबर दिस थिंग, एमसीक्यूज वगैरह पूछा जा सकता है, राइट। सो सैंपल मैनेजमेंट, समझ गए होगे, सैंपल्स लेना और उनको कैसे मैनेज करते हैं, कौन सी बॉटल में रखना है, अपने पूरी फार्मेसी के किस लैब के किस पोर्शन में रखना है, ये सारी चीजें वहां पे स्टोर होंगी। वर्क फ्लो मैनेजमेंट, कैसे आपको वर्किंग करनी है उसका पूरा मैनेजमेंट, पूरा वर्क फ्लो बनाया जाएगा। देन जितनी भी टेस्टिंग हो रही है लैब्स में, जो भी चीजें की जा रही हैं उनकी क्वालिटी चेक की जाएगी, उनका एश्योरेंस लिया जाएगा, क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड सारी चीजें लिम्स के थ्रू की जाएंगी, ओके, फाइन। सो रिपोर्टिंग सर्टिफिकेट्स, अब हमने कहा था ना उसके बाद क्या होती है, रिपोर्ट्स बनती हैं, तो रिपोर्ट्स में सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस, कोई गाना सुनना स्टार्ट कर दिया है, ओके, सो फोकस ऑन माय वॉइस ओनली। रिपोर्टिंग सर्टिफिकेट्स, राइट, सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाए जाते हैं, रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके रखा जाता है। देन इंस्ट्रूमेंटेशन, और जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे होते हैं उनकी भी पूरी पूरी डिटेल रखी जा सकती है, जैसे कौन से इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, ओके। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि इन्वेंट्रीज क्या होती हैं, राइट। सो इन्वेंट्रीज और लैब एग्जीक्यूशन सिस्टम, कोटेशन एंड इनवॉइसिंग वगैरह, जैसे कोई चीज आप इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हो तो उसकी कोई रॉ मटेरियल खरीदते हो तो उसकी इनवॉइसेस बनती हैं, राइट। फिर सैंपल्स वगैरह भी हम ट्रैक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लैब नोटबुक, ओके। देन स्टेबिलिटी स्टडीज, स्टेबिलिटी स्टडीज क्या होती है ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे, फाइन। अब लैब्स में क्या होता है, जैसे टैब वगैरह यूज करते हो वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक हम लोग नोटबुक यूज कर सकते हैं, राइट। सैंपल ट्रैकिंग की बात है कि अगर कोई सैंपल्स आज कलेक्ट किए गए हैं तो कितने दिन में कौन सा टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, वो चीजें हैं, जैसे कोई भी टेस्ट परफॉर्म होने के लिए मान लो 2 दिन लगता है तो वो ट्रैक किया जा सकता है, फाइन, ओके। अच्छा, इनमें क्या क्या चीजें, अच्छा ये डेटाबेस में क्या क्या चीजें कलेक्ट करता है वो सारी चीजें देख लो, जैसे कस्टमर्स की डिटेल होती है और कलेक्शन साइट होते हैं, वेट, कलेक्शन साइट्स होती जहां जहां से उसने कलेक्ट किया, प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से यूज किए गए सैंपल के लिए, फिर उसकी एनालिसिस में कौन कौन से मेथड यूज किए जाएंगे, एम्प्लॉयज कौन कौन से हैं आपकी लैब्स में, पासवर्ड्स क्या हैं उनके, टेस्ट एंड टेस्ट रिजल्ट्स क्या हैं, बॉटल जो उनमें स्टोर किया जा रहा है उनके टाइप्स क्या हैं, देन सैंपल मैट्रिक्स एक तरह की एक इंफॉर्मेशन होती है जो बनाई जाती है उस इस तरह कुछ इस तरह, ये सैंपल है इसकी इंफॉर्मेशन, ये सैंपल इसकी इंफॉर्मेशन, ये लाइक दैट। अच्छा, अदर कंटेंट्स में अगर हम बात करें तो और भी चीजें होती है, जैसे सैंपल एक्सेसिंग, हमारे पास सैंपल आ गया तो उनको कैसे एक्सेस किया जाएगा, वो क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस की जो बात कर रहे थे वो, और सैंपल प्रिपरेशन, इनमें थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, बाकी ये चीजें तो बहुत ही ईजी है। तो सैंपल एक्सेसिंग में अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, पहले हम लोग क्या करते थे, सैंपल लाते थे और एक स्प्रेडशीट्स वगैरह या एक्सेल शीट्स जो आप जानते हो वहां पे चीजें स्टोर करते थे, व्हाइट बोर्ड्स में लिख लेते थे अपने यहाँ जो लगाते थे लैब्स में, राइट। अब उनको क्या किया जा रहा है,
कंप्यूटराइज किया जा रहा है या डिजिटाइज किया जा रहा है यूजिंग बारकोड स्कैनिंग। बारकोड सभी जानते हो क्या होता है, लाइक दैट राइट, जैसे पेटीएम में बारकोड होता है राइट। सो बारकोड स्कैनिंग की जाती है और सीधे सीधे डेटा आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। पहले क्या होता था, मैनुअल एंट्री की जाती थी राइट, तो कुछ इश्यूज होते थे राइट। आजकल क्या बारकोड यूज कर सकते हैं, तो बारकोड से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, तो मैनुअल भी मिस्टेक्स होने की प्रॉब्लम नहीं है। बट एक फीचर है कि आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हो राइट। सो इंटीग्रेशन विद एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या जैसे पहले यूज करते थे और अब नया सॉफ्टवेयर यूज करो, तो उनके बीच में इंटीग्रेशन भी परफॉर्म कर सकते हो या उनको एक जगह इंफॉर्मेशन रख सकते हो। क्वालिटी कंट्रोल की अगर हम बात करें, तो स्टोर एंड एक्सेस क्वालिटी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ऑल इन वन प्लेस। पूरा की पहले क्या होता था, क्वालिटी टीम अलग होती थी, उनका डेटा अलग रखा जाता था, स्टोर का डेटा अलग रखा जाता था, बट अब पूरा पूरा लिम्स का जो एक डेटाबेस है वहीं पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। स्टैंडर्डाइज एंड ऑटोमेटिकली प्रिवेंट पुअर क्वालिटी सैंपल्स फ्रॉम प्रोसेसिंग। क्या होता है कि जैसे आपका जो सैंपल आप लेके आए हो, इवन उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है ना कि कौन से मेथड है या क्या है, या उसकी अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो पता चला उसमें कितनी प्लेटलेट्स हैं सैंपल ब्लड में या कुछ भी, तो उन सारी चीजों की डिटेल के आधार पे बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि सैंपल पुअर है या अच्छा है राइट। तो फर्दर इसकी प्रोसेसिंग करनी है या फिर दोबारा से सैंपल कलेक्ट करना है। ओके, अवॉइड एंटरिंग क्यूसी इंफॉर्मेशन सेपरेटली, मतलब कोई क्वालिटी कंट्रोल की इंफॉर्मेशन है सेपरेट न रख के एक साथ रखी जाती है पूरे स्टोर के डेटा के साथ, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस समझ गए होंगे। नाउ सैंपल प्रिपरेशन, नो व्हाट सैंपल आर गोइंग वेयर। अब सैंपल प्रिपरेशन किया जाता है तो उसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है हमें बॉटल्स चेंज करनी पड़ती हैं, कुछ सैंपल का कुछ पार्ट किसी बॉटल में, कुछ पार्ट किसी बॉटल में, फिर सैंपल्स टेस्टिंग लाइक दैट। कभी अगर आपने सैंपल के लिए कुछ दिया हो अपना ब्लड वगैरह, तो वहां लेबोरेटरी में जाकर देख सकते हो वहां क्या क्या करते हैं, फाइन राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके सिस्टम के थ्रू, अपने लिम्स के सिस्टम के थ्रू जो रेजेंट्स हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं, जो हमारे स्लॉट्स लॉट्स जो हम लोगों ने पहले से बना के रखे होंगे अगर वो एक्सपायर्ड हो गए हैं तो वो भी डेटा हमारे पास लिम्स के थ्रू स्टोर्ड होता है। तो एक्सपायरी डेट्स वगैरह के थ्रू ये बता देता है, एक अलार्म बज जाता है कि ये हमारे लॉट्स एक्सपायर्ड हो गए हैं, उनको हटा दीजिए, ठीक है राइट। ओके, इंस्ट्रूमेंट रन वगैरह ये कोई खास पॉइंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देख लो। अपलोड डेटा डायरेक्टली टू द लिम्स फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, हम लोग बात कर चुके हैं कि बार कोड का यूज करके आप डेटा सीधे सीधे स्टोर कर सकते हो। कई बार क्या होता है, जैसे हम अपने इम्प्लॉयज आए और लेबोरेटरी में और सीधे उन्होंने पंच किया और उनके वो अटेंडेंस या कह सकते हो जो भी है वो अपने आप कंप्यूटर में स्टोर हो गई, तो मैनुअली कुछ नहीं करना है, सारा का सारा डेटा मशीन्स के थ्रू भी स्टोर हो सकता है। ओके फाइन, अब तक आप लोग मोटा मोटा समझ गए होगे कि लिम्स सारी की सारी चीजें प्रोसेस सारा का सारा कंप्यूटराइज कर दे रहा है, जिससे मैनुअली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अलार्म प्रॉपरली टाइम पे बच जाएगा अगर कुछ भी चीज एक्सपायर होती है राइट। ओके, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कुछ आर्किटेक्चर यूज किया जाता है ये सॉफ्टवेयर का, तो इनमें से सबसे पहले आता है कि लोकल एरिया नेटवर्क यूज कर सकते हो, लैन या फिर स्टैंडर्ड क्लाइंट सर्वर। हमने वेब यूनिट 2 में वेब सर्वर्स पढ़ाए थे, उसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ाया था, क्लाइंट है ये सर्वर है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर रिस्पांस करता है, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर था। तो ज्यादा मतलब पॉपुलर यही है, इम्पोर्टेंट भी यही और यही यूज करते हैं क्लाइंट सर्वर। वैन भी यूज किया जा सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क, डिपेंड करता है कि आपकी लेबोरेटरी का एरिया क्या है, बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया लैन यूज करो और बड़ा एरिया है तो वैन यूज कर सकते हो, फाइन। अच्छा, बेनिफिट्स क्या है लिम्स के, इजी टॉपिक था, कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बट देखो सबसे पहला क्या है, एक्यूरेसी। हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम अभी पढ़ चुके हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है राइट। ये होता है कि जो भी चीजें आप प्रिपेयर कर रहे होगे उनमें कोई भी कंप्यूटेशन करने में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, इसलिए जो डेटा होगा जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट होगा, और एक जो रिजल्ट आए हैं उनको बार बार नेक्स्ट टेस्टिंग या नेक्स्ट रिसर्च में हम लोग रिपीट कर सकते हैं, फाइन। जो रिजल्ट्स हैं वो रिपीट किए जा सकते हैं। एफिशिएंसी, लिम्स हेल्प्स लैब टू ऑटोमेट एंड स्पीड अप लेबोरेटरी लेबोरियस टास्क। बहुत सारा काम मैनुअल करने की वजह से हमें टाइम भी ज्यादा लगता था और मैनुअल मिस्टेक्स भी होती थी, बट अब एफिशिएंट हो गया है, हमें ज्यादा
टाइम नहीं लगता और हमने अपने सारे काम ऑटोमेट करके स्पीड अप कर लिए हैं. ओके राइट. मैनेजमेंट मैनेजमेंट एलिम्स हेल्प्स लैब स्टोर एंड रिट्रीव रिजल्ट्स क्विकली. अब आपको बताया कि डेटाबेस में सब कुछ स्टोर है, सर्च बॉक्स में आप कुछ भी डालोगे, कोई भी रिजल्ट या कोई भी टेस्ट का नाम डालोगे, तुरंत वो सारा का सारा डेटा आपकी स्क्रीन पे, ये नहीं कि आप रजिस्टर में एक एक पेज चेक कर रहे हो. ओके बहुत इजी, इसलिए मैं इसको ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ. सो याद कर लो एक्यूरेसी एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट, ये चीजें एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं. ओके अब बहुत सारी एडवांटेजेस हैं लिम्स की. अब इन एडवांटेजेस का क्या, वही चीजें हैं जो अपने पहले तीन मैंने बताई एक्यूरेसी और मैनेजमेंट, उन्हीं के सब पार्ट समझ लो. देखो वेरी फास्ट रिपोर्ट एक्सेस एंड क्वेरीज, ये हमने कहा ना कि टाइम सेविंग है, हम लोग फास्ट कर लेते हैं, स्पीड अप कर लेते हैं अपना पूरा मैनेजमेंट. पेपर वर्क रिड्यूस हो गया, इम्प्रूव्ड डेटा क्वालिटी, इम्प्रूव्ड ऑपरेशन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की हमने बात की, सिंपल टू यूज एक्सेल लाइक फार्मूलाज, आप इस लिम्स वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें सिंपली फार्मूला भी यूज कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, प्रोडक्टिविटी गेन बढ़ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स एंड बिजनेस सिस्टम्स. पहले पहले क्या था, एडमिन अलग, HR अलग, ये सब डिपार्टमेंट अलग होते थे, अब क्या पूरा पूरा डेटा एक ही सॉफ्टवेयर में एक ही जगह रख सकते हो. ट्रांसक्रिप्शन एरर्स, जो मैनुअल एरर्स होती थी वो कम हो जाएंगी, थ्रूपुट हमारा इंक्रीज हो जाएगा. थ्रूपुट आप लोग बता सकते हो क्या होता है, अगर नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछ लेना थ्रूपुट क्या होता है. फाइन अवॉइड्स, वैसे थ्रूपुट तुम लोगों को पता होना चाहिए, ये तुम लोग कमेंट में बताना, नहीं बताओगे या कोई कंफ्यूजन हो तो मैं बता दूंगा. अवॉइड डुप्लीकेशन, अब डेटा डेटाबेस है तो डेटाबेस में स्टोर होती है तो डुप्लीकेट चीजें डेटाबेस में स्टोर नहीं होती हैं. फाइन ओके. इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न है हमारा बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजों में हमें प्रॉफिट हुआ है. फाइन तो ये सारे एडवांटेजेस थे, बहुत सिंपल है. नाउ सेकेंड टॉपिक जो हमने बोला था, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम TIMS. ये क्या होता है, लिम्स के साथ साथ इसको भी यूज किया जा सकता है, थोड़ा सा इसमें अलग है. वो क्या है, टिम्स इज नॉट कॉमन एज लिम्स राइट, बट टिम्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट. हमने कहा लैब्स के लिए हमें लिम्स चाहिए, और प्री क्लिनिकल अगर डेवलपमेंट की बात करें, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट, अब ये प्री क्लिनिकल क्या होता है ये आप मुझे बताओगे, एज अ, क्योंकि ये सारे मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि ये सारे टर्म आपके फार्मेसी से रिलेटेड है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. एज अ लार्ज नंबर ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आप सभी जानते हो लैब्स, इवन जितना भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट या इन सबसे रिसर्च मैनेजमेंट या रिसर्च, हॉस्पिटल रिसर्च, मेडिसिन रिसर्च, रिसर्च डिस्कवरी, जितनी भी चीजें हैं उन सब में आप जानते हो टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन बहुत होता है राइट. उनमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या हो सकते हैं, इमेज हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, तो ये सारा डेटा बहुत ह्यूज होता है. तो कहा जा रहा है कि ये सारा जो डेटा है वो अलग से मैनेज किया जाए. जैसे अब जो हमने मान लो कोई रिसर्च करी, कोई डिस्कवरी करी, तो वो नोवल है. अगर वो नोवल है तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है राइट, अगर आपने कोई डिस्कवरी करी है तो जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. अगर वो लीक हो गए, कुछ हो गया, तो आपके हाथ से पेटेंट निकल सकता है. तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मैंने आपको बताया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स याद होंगे, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, तो इनमें पेटेंट और कॉपीराइट अगर आपको कुछ लेना है, आपकी फील्ड है तो पेटेंट होंगे, तो उनको सिक्योर होना बहुत जरूरी है. इसीलिए अलग से एक सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है टिम्स राइट. आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है सिक्योर होना चाहिए, उस सिक्योर होने के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह को डील करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स सेव करने के लिए टिम्स वाला यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर. साइंटिस्ट यूजिंग टिम्स इन टूडे वर्क फ्लो एज रिपोर्ट टेम्पलेट फॉर रिपोर्ट राइटिंग. क्या होता है कि रिपोर्ट जब रिसर्च आप लोग करोगे, अगर किसी चीज में, तो आप रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखोगे, वहां पे आप देखोगे रिपोर्ट राइटिंग एंड ये सब रिपोर्ट टेम्पलेट्स वगैरह पहले से बनी बनाई सॉफ्टवेयर्स में आती हैं, आपको सीधे सीधे सिर्फ डेटा डालना होता है. तो साइंटिस्ट वगैरह इन चीजों में टाइम ना यूज करके रिपोर्ट बना रहे हैं, वो सब अपनी डिस्कवरी में यूज करते हैं, सारा काम टीम्स को दे देते हैं, ये रहा डेटा, आप सॉफ्टवेयर के हिसाब से टेम्पलेट बना के हमारी रिपोर्ट जनरेट कर दो. ठीक है, तो इतने से ये चीज तो समझ गए होगे कि जो हमारा रिसर्च फील्ड है, साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च फील्ड में टिम्स सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं
वो सारे के सारे अपने सिक्योर होते हैं, ताकि हम लोग जब रिसर्च कंप्लीट हो जाए तो पेटेंट वगैरह करा सकें, हमारा डाटा सेव रहे। और उसके साथ साथ वो लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट जनरेशन और इन सब के लिए भी हमारा टीम्स वाला सॉफ्टवेयर ही यूज करते हैं। फाइन, नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट इन प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड एनालिटिकल टेस्ट मेथड्स। अब इनके बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं, एनालिटिकल टेस्ट मेथड्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अब प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, जैसे SDLC में हमने बात करी थी कि स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो आप बनाते हो उनकी बात हो रही है, तो वो सारी चीजें हम लोग डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले जितना भी डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायरमेंट, फिजिबिलिटी, ये सब रिसर्च करते हैं हम लोग, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट बना के टीम्स में स्टोर कर सकते हैं। फाइन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो भी आपने प्रोसीजर्स बनाए होंगे, हमने डिजाइन वगैरह की बात करी थी, तो जो भी डिजाइन प्रोसीजर्स होंगे वो सब स्टोर होंगे। रिसर्च की हमने कहा रिपोर्ट्स जो बनेंगी वो सारी स्टोर होंगी, और लेबोरेटरी की एक नोटबुक बनाई जाएगी इसमें, कि जो भी लेबोरेटरी में वो रोड रोड टेस्ट कर रहा है तो अपनी एक जगह वो सारे टेस्ट और रिजल्ट्स लिखता जाएगा। फाइन, तो ये सारी चीजें प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट में डॉक्यूमेंटेशन में आती है। नाउ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं टीम्स के, बहुत सारे लिम्स के, तो उनके कुछ नाम दिए गए हैं, आप ये नाम यहाँ पे देख सकते हैं। फाइन, अभी कोई यूज नहीं है, बट जब आप रिसर्च करोगे तो ये सारे सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ आपके काम आ जाएंगे। फाइन, सो ये दो टॉपिक थे जो लास्ट यूनिट में थे, और ये शायद लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हो सकता है अगर आप कहोगे तो फाइनल एग्जाम के पहले आपका कोई रिवीजन मॉड्यूल बनाऊं तो बनाऊं, अदरवाइज ये लास्ट लेक्चर है। सो वो ऑन डिमांड होगा, वो देखा जाएगा, बट आपके कोर्स के हिसाब से ये लास्ट लेक्चर है। सो फाइन, स्प्रेड स्माइल्स, हेल्प अदर्स, एंड इट वॉज नाइस जर्नी विद यू गाइज। सो टाटा, बाय बाय।